ये ग्रिल है सामने का, ये व्हील है, ये सब व्हील से, ये लाइट, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये देखिए। जब पूरा लग जाएगा तो अंदर से दिखाता है कैसा लगता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अंदर से दिखाई देता है पूरा एकदम। वाह, बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन में आया, ये देखिए। वाह, ये चारों तरफ खजूर का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए। कुछ बोलना चाहोगे? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइन शाह व्लॉग। जैसे कि देख पा रहे हो मैं अभी तक रूम पे हूँ और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। तो रोज़ रोज़ का वही एक काम है गाइज़, हम लोगों का सुबह होते ही जाना पड़ता है ड्यूटी। गाइज़ मैं अभी जा रहा हूँ ड्यूटी पर और धूप बहुत तेज़ आ रहा है गाइज़, बस सुबह का धूप बहुत अच्छा लग रहा है, जितना समय जाता है उतना ख़राब होता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों को और एक नया व्लॉग में, तो आप लोगों से मिलते हैं ड्यूटी पर जाने के बाद। बाय। तो गाइस आ गया हूँ मैं शोरूम पर, ये देखिए। तो गाइस अभी फिलहाल सुबह सुबह ड्यूटी पर, तो सुबह सुबह ड्यूटी पर आना बहुत ही मुश्किल है गाइस। जब छोटा था तो स्कूल में नहीं जाता था, इसी की वजह से बोलता है कब खत्म होगा ये स्कूल लाइफ। अभी तो अभी स्कूल लाइफ ख़त्म हुआ और भी बड़ा ड्यूटी लग गया, ये पूरा ज़िंदगी का ड्यूटी है, ये तो ख़त्म नहीं कर सकता। स्कूल लाइफ में ऑप्शन था, अगर स्कूल ख़त्म कर दिया तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा, अब ये ख़त्म हो गया तो खाएगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे, तो इसके लिए ये ऑप्शन का कोई स्किप नहीं है गाइस। बात तो सही है। रोज़ रोज़ सुबह शाम को जाओ रूम पर और सुबह आ जाओ उससे ड्यूटी पर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सही है। तो गाइस अभी फ़िलहाल कुछ खाते और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मैं अभी जा रहा है सैलरी डालने के लिए, वर्कर लोगों का जो लोग काम करते हैं उन लोगों का सैलरी डालने के लिए अभी जा रहा है बैंक में, और शोरूम का कुछ सामान भी लेना है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा है शोरूम का सामान लेने के लिए, पहले सैलरी डालेगा उसका बाद जाएगा शोरूम का सामान लेने के लिए। और आज वेदर देखिए गाइज बहुत ही अच्छा खूबसूरत वेदर, और रोड पर देखिए कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा है। वाह, तो भाई आ गया मैं लुलु एक्सचेंज में, अभी डालते हैं पैसा और उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। भाई ओके, यू कैन पुट नाउ, यू कैन पुट द सैलरी एंड ही विल कम एंड विल टेक इट, प्लीज डू इट। तो गाइस मैंने डाल दिया सैलरी अभी, और अभी सीधा जाते हैं सामान लेने के लिए। अभी शोरूम तीन हो गया तो सामान भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो सीधा जाते हैं सामान लेने के लिए अभी। तो गाइस अभी मैं आया शारजा मोबाइल राउंड अबाउट, इधर में हर तरह का मोबाइल मिलता है, सेकेंड हैंड हो या नया हो, ये पूरा एकदम, ये जो एक सामने एक राउंड अबाउट है, ये राउंड अबाउट का पूरा चारों तरफ सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप का शॉप है गाइस। इधर से स्टार्ट होता है और इस तरफ से स्टार्ट होता है, साथ में मेगा मॉल है, ये शारजा मेगा मॉल है, ये देखिए शारजा मेगा मॉल लिखा हुआ है, देख रहे हो। ये राउंड अबाउट बहुत लंबा है गाइस, ये देखो कितना लंबा राउंड अबाउट है, रोड की तरह लग रहा है आप लोगों को लेकिन ये राउंड अबाउट है गाइस। सामने एक मस्जिद है, ये देखिए एवरीडे सेंटर, ये वाला एवरीडे सेंटर है। तो मैं अभी पार्किंग में लगा था और तो जाते हैं शॉपिंग करते हैं और लोगों को दिखाते हैं भाई। टिकअप हो गया और से दो चार पाँच, ये हो गया।
एक, मेरा टोली भी फुल हो गया डेटॉल। तो दो हार्पिक उठाता है अभी। ये की काफी है गाइस हम लोगों के लिए। तो गाइस ऑलमोस्ट मैंने सब ले लिया, ये देखिए फुल भी हो गया। दो तीन चीज रह गया वो बाहर से मैं लेगा, तो अभी फिलहाल बिल पे करते और सीधा जाते। हो गया। तो भाई रख दिया मैंने सामान, तो अभी सीधा जाते हैं। इतना जल्दी गर्म भी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई। तो गाइस काम हो गया खत्म, अभी सीधा जाते हैं शोरूम पर। भाई आ गया मैं शोरूम पर अभी। तो गाइस मैंने डाल दिया शोरूम का अंदर सामान। तो गाइस अभी जा रहा है एक शॉप में, मैंने सुबह सुबह आते ही एक गाड़ी उधर दिया था डीबीडी लगाने के लिए, जो गाड़ी है हुंडई सोनाटा, तो जाके चेक करता है, अगर हो जाता है तो मैं वो लेके आएगा। मैं आ गया खातिब में और ये गाड़ी है गाइस, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ, काम हो रहा है अभी तक। ये डीबीडी गाइस, ये पहले नॉर्मल था, इसमें कोई डीबीडी नहीं था, बेसिक ऑप्शन था, तो अभी ये डीवीडी लगाया गाइस। ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, थोड़ा काम रह गया कवर लगाने का। और अंदर से दिखाते हैं इस शॉप में क्या क्या मिलता है गाइस। ये रुक, इधर क्या क्या डीवीडी है। ये लैंड क्रूजर में ज़्यादातर लगता है गाइस, लैंड क्रूजर में। ये निसान पेट्रोल का है, गियर का सेट, नीचे जो गियर होता है ना इसमें फिट होता है ये वाला, ये फाइबर है। ये सब बम्पर है बॉडी का, ये ग्रिल है सामने का, ये व्हील है, ये सब व्हील से, ये लाइट, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये देखिए गाइस। ये जो कैमरा देख रहे हो ये कैमरा भी लगा हुआ है, ये नया लगाया है, पहले नहीं था। अभी डीवीडी लगा हुआ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, पहले अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिलहाल मैं जाता है शोरूम पर और शोरूम पर जाके आप लोग से बात करते हैं भाई। A few moments later. तो गाइस मैं फिर से निकल चुका हूँ ये गाड़ी का काम कराने के लिए। ये गाड़ी का काम कुछ नहीं है, मख्फी लगेगा गाइस, जो ब्लैक पेपर जो होता है ना वो लगाने के लिए मैं जा रहा है। तो गाइस आज शायद मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये गाड़ी लेके जा रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो अभी सनाया जा रहा है 4 नंबर पे और गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। ये देखिए पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, मेरा हर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है। तो अभी फिलहाल पेट्रोल पंप आ गया, मैं डालता है पेट्रोल और पेट्रोल डाल के सीधा जाता है उधर और आप लोगों को दिखाता है क्या काम कराने के लिए मैं जा रहा है भाई। 30 कैश। ये जो डीवीडी देख रहे हो ना ये एंड्रॉयड डीवीडी है, मेड इन चाइना है, ये ज़्यादातर चाइना होता है। और ये देखिए पुराना वाला डीवीडी, ये देखिए नया डीवीडी और ये पुराना डीवीडी, ये देखिए ये पहले इधर लगा हुआ था, ये जगह में ये लगा हुआ था। इसका जो स्क्रीन देखिए सिर्फ रेडियो का स्क्रीन है गाइस, इसमें कोई डीवीडी का काम नहीं करता था। तो अभी ये इसमें हर चीज़ सेटिंग कर दिया, अभी ये फ़ोन भी काम करता है और बैक कैमरा भी काम करता है। बैक कैमरा बहुत क्लियर है गाइस, ये देखिए क्लियर है, कैमरा भी लगा हुआ है। और ये पुराना अभी कोई काम का नहीं है, जैसे ही पीछे छोड़ देता है कस्टमर को चाहिए तो बाद में वो चेंज कर लेगा। तो गाइस हो गया मेरा, पेट्रोल भी डाल दिया और अभी सीधा जाते। ये गाइस कितना गाड़ी है, कंटिन्यू ये रोड पे गाड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड के लिए रोड फ्री हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये रोड दोनों तरफ और कंटिन्यूसली गाड़ी जा रही है। देखिए ये देखिए गाइस शेख मोहम्मद बिन जायद रोड में, आप जब भी जाओ या सुबह जाओ या दोपहर जाओ या शाम को जाओ, ये ट्रैफिक रहता ही है।
और ये जो ट्रैफिक है सीधा अलाइन तक जाता है गाइस, अलाइन रोड तक ये पूरा एकदम जाता है ट्रैफिक, उधर जाके ख़त्म होता है। ये सब इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ये ट्रैफिक हो रहा है ज़्यादातर, और हर टाइम में रहता है, ऐसा नहीं है दोस्त 20 मिनट के लिए अभी फ्री हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर दिन में कि सिर्फ रात में 2-3 बजे के बाद ये फ्री होता है, अदरवाइज ये हर टाइम में ही ऐसा रहता है ट्रैफिक। देख रहे हो गाइस, मैंने एग्जिट मार दिया अभी, तो ये देखिए ट्रैफिक, ये लोग पूरा ट्रैफिक में फंस गया, और मेरा अभी ट्रैफिक नहीं है क्योंकि मैं एग्जिट से जा रहा है, अभी मैं राइट चला जाएगा। ये देखिए शारजा लिखा हुआ है राइट से, और ये दुबई का रोड है गाइस, ये शारजा से अगर दुबई जाते हो तो ये सारा ट्रैफिक मिलेगा आप लोगों को। मेरा रोड अभी फ्री है, मैं जाता है। तो भाई मैं आ गया अभी ये शोरूम में, और इसमें 40% लगा रहा है ये वाला, ये देखिए अंदर से कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा, मतलब इतना हार्ड नहीं है, 40% लगा रहा है पूरा एकदम, पीछे वाला ग्लास, नीचे वाला ग्लास, सामने वाला ग्लास, और सामने से दिखो गाड़ी स्टार्ट है। तो गाड़ी का इधर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, और गाड़ी में से भी गर्मी आता है, तो उन लोगों का पूरा गर्मी में काम करना पड़ता है, और मुझे पता है कि गर्मी में अगर काम करता है तो पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाता है, इसीलिए मैंने गाड़ी का ऐसे भी अभी ऑन कर लिया। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं वो लोग कैसे लगाता है, मफी कैसे लगाता है। ये भी इसमें पहले ऑयल वाला पानी, पानी से सफाई करता है, उसमें कोई दाग ना लगे। ये देखिए ये शैम्पू का पानी है बस, फिर उसके बाद वो लोग ग्लास अंदर लगाता है। जब लग जाता है तो पूरा एकदम परफेक्ट दिखता है, और गाड़ी का लुक भी चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है जब लग जाता है। तो गाइस ये देखिए अभी इसमें नहीं लगा और इसमें लग गया, तो इसमें से और इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अंदर से दिखाई देता पूरा क्लियर इधर में, और इसमें से अभी दिखाई नहीं दे रहा अंदर, देख रहे हो अंदर ये गुब्बारा जितना देख रहे हो ये सब चला जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह। ये पीछे का तरफ ये लगा रहेगा, ये ऊपर नहीं लगेगा एक्चुअली, ये ऊपर से पहले एक सिंपल लगा रहा है नीचे से माप लेने के लिए। ये देखो ये एक्चुअली अंदर जाएगा, ये बाहर नहीं लगेगा, अंदर से लगेगा। जब पूरा लग जाएगा तो अंदर से दिखाता है कैसे लगता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अंदर से दिखाई देता है पूरा एकदम बाहर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर देखिए गाइस लग गया, अभी माफी लग गया, अभी अभी ख़त्म हुआ। ये देखिए पूरा कैसा लग रहा है बाहर से, गाड़ी लुक चेंज हो गया, गाड़ी पूरा एकदम लुक चेंज हो गया, देख रहे हो। सामने सिर्फ 20% मैंने लगाया, और अंदर से दिखाता है कैसा है बाहर, पूरा एकदम दिखाई दे रहा है अंदर से, देख रहे हो। ये देख रहे हो अभी पूरा एकदम कचरा कचरा हो गया, वो जाके साफ करना पड़ेगा शोरूम पे जाके, लेकिन बहुत कूल लग रहा है गाइस, बहुत खूबसूरत लगता है माफी लगाने के बाद। तो गाइस मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ नाश्ता किया सुबह 8:30 बजे, और अभी तकरीबन 3 बज गया दोपहर का, तो अभी ये काम भी ख़त्म हो गया, तो सीधा शोरूम पे जाते हैं, और शोरूम पे हम लोग मेरा ऑलरेडी खाना आया है, तो शोरूम पे जाके मैं खाता है। ये हम लोगों का रूम का बिल्डिंग है, मैं रूम का साइड से ही जा रहा है लेकिन रूम पे नहीं जाएगा, इसका वजह ये है कि अभी 3:15 हो रहा है, और 4 बजे हम लोगों का सिर्फ ड्यूटी में जाना है सिर्फ, तो आधा घंटा 1 घंटे के लिए मैं जाके क्या करेगा, इधर अंदर मुँह हाथ धोने के बाद तुरंत चला जाएगा आधा घंटा, तो सीधा रूम शोरूम पे चला जाता है, और शोरूम पे जाके कुछ खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर काम पे लगेगा। तो गाइस एक चीज़ नोटिस किया, अंदर धूप नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि जब आप माफ़ी लगा देते हो तो अंदर एक कोई भी जगह पे आप लोगों को धूप नज़र नहीं आएगा, ये देखिए देख रहे हो, लेकिन बाहर देखिए कितना धूप है, धूप से बचा लेता है जब आप माफ़ी लगाते हो, वो बहुत एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है माफ़ी लगाना UAE पर। कोई भी गाड़ी आप देखोगे UAE पर, वो हर जगह में आपको हर गाड़ी में माफ़ी मिलेगा, अदरवाइज़ आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना आप AC ऑन रखो वो गर्मी का जो हवा है ना वो बहुत तेज़ लगता है, इसके लिए माफ़ी लगाना ज़रूरी है। कोई भी गाड़ी लेता है तो पहले माफ़ी लगाता है, जैसे कि ये गाड़ी का नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगा हुआ है लेकिन पहले माफ़ी लगा रहा है, उसके बाद नंबर प्लेट लगाने के लिए जाएगा, समझ रहे। बहुत ज़्यादा भूख लगाएगा इस, क्या बताओ आप लोगों को, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अभी सीधा शोरूम पर जाके वो कुछ खाता है। ऑर्डर दिया बिरयानी, तो खाते बिरयानी पहले। One hour later. गाइस ये देखिए अभी बहुत ही खूबसूरत जगह में आया,
फ़ोटो उठाने के लिए। ये BMW X5 है, इसका फ़ोटो उठाने के लिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में आया। ये देखिए, वाह, ये चारों तरफ खजूर का पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए कितना आदमी लोग ऐसे तस्वीर उठाने के लिए आता है। ये देखिए इधर, ये देखिए ये जगह में ये दो गाड़ी इधर का तस्वीर उठा रहा है, ये दो गाड़ी इधर में हो रहा है। ये देखिए ये गाड़ी इधर, एक गाड़ी वो देखिए पीछे, एक गाड़ी इधर। शोरूम का हर आदमी आता है तस्वीर उठाने के लिए, तो मैं भी उठा लेता अभी तक। तस्वीर उठाने इधर किस लिए आता है, जब आप लोगों को तस्वीर उठा लेता है ना तो आप लोगों को दिखाएगा किस लिए। ये बहुत ही खूबसूरत एक परफेक्ट पिक्चर आता है गाइस इधर में। ये सब खुद का लगा हुआ है गाइस, देख रहे हो चारों तरफ कितना खूबसूरत है। एक्चुअली शारजा का गोल्फ सेंटर है, इधर में गोल्फ प्ले होता है, जो गोल्फ मैच जो होता है ना, बहुत ही बड़ा एरिया है इधर गाइस। अभी मैं निकल चुका हूँ शोरूम के लिए, तो फिलहाल जाते हैं मैं शोरूम पर। ये हम लोगों का शोरूम है, ये देख रहे हो, इस तरफ हम लोगों का शोरूम है और इस तरफ होता है गोल्फ सेंटर, और ये वाला हम लोगों का शोरूम है। इसका अंदर था, ये साइड का अंदर, ये गोल्फ सेंटर है और ये हम लोग का शोरूम। तो गाइस मैं अभी शोरूम पे था, और शोरूम पे मेरा भाई आया था, ठीक चार बजे आया था मिलने के लिए। तो मैं सोचा चलो आप वॉक करते हैं उनके साथ। ये देखिए, तो मैं उसको लेके जा रहा है हम लोग का शोरूम से, तकरीबन 10-12 शोरूम दूर एक गाड़ी उधर उठाना का, तो उनके पास भी गाड़ी था, तो मैं सोचा चलो आप पैदल ही चले, क्योंकि हम लोग पैदल ज़्यादा नहीं चलते टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गाड़ी से जाता है इधर से उधर। तो कैसा है रे, तू मेरा ब्लॉग में आ गया, हाय बोल दे। एक्चुअली आज एक हफ्ते के बाद भाई को मिल रहा है, मेरा भी बुखार हो गया था और भाई भी ज़्यादातर नहीं आया था, उन लोगों को उनका भी काम बहुत ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा नहीं आता था हम लोगों का ब्लॉग में। तो आज एक हफ्ते के बाद भाई को मिल रहा है, और आते ही मैं बोला चलो पैदल गाड़ी के उठाते। कुछ बोलना चाहोगे क्या? बोलो शाही पर्सन गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस हम लोग तकरीबन आधा घंटे से बात ही कर रहा है, तो व्लॉग का बारे में भूल ही गया व्लॉग बनाने के लिए। तो अभी हम लोग, मैं भी जा रहा है मेरे ड्यूटी पे और भाई भी जा रहा है, तो छोटा भाई को लेकर आएगा उसी के लिए। और आप लोग ये एक चीज़ बता दूँ, मैं मेरा एक छोटा भाई का अभी टिकट का बारे में बात ही कर रहा था, क्योंकि मेरा छोटा भाई को भी हम लोग लेके आ रहा है इधर, वो भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह, उसी का ही डिस्कस कर रहे थे। तो अभी भाई भी जा रहे हैं, चलो सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके ठीक है, हां मेरे को इन्फॉर्म करना। ओके मुश्किल है। तो एक्चुअली भाई कैमरा में बहुत शाही है, जब कैमरा ऑन हो जाता है तो बात नहीं करता, कैमरा जब ऑफ हो जाता है तुरंत ही बात करने लग जाते हैं। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, उसको लेके आना है। हम लोग तकरीबन 2 महीने से प्लान कर रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग नहीं लेके आए। अभी गर्मी कम हो गया, अभी थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है दुबई का अभी, तो इसीलिए हम लोग छोटा भाई को भी लेके आ रहा है अभी। तो गाइस ये गाड़ी लेने के लिए आया था, और बीच में भाई आ गया था, इसीलिए भाई को लेके जाना पड़ा पैदल ही। तो अभी ये गाड़ी ले लिया, तो अभी सीधा शोरूम पे जाता है और आप लोगों से बात करते हैं शोरूम पे जाके भाई। 4 hours later। तो गाइस हम लोगों का शोरूम का आदत चला गया, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज ये गाड़ी आया है निसान पेट्रोल, ये सुपर सफारी है गाइस। ये UAE में सबसे बेस्ट गाड़ी माना जाता है, क्योंकि ये रमल का गाड़ी है, जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट का गाड़ी है ये गाइस। ये डेजर्ट में ज़्यादातर गाड़ी लोग चलाता है, जो ड्रिफ्टिंग करता है, देखते हो ना अरबी लोग ज़्यादा ड्रिफ्टिंग करता है, ऐसा गाड़ी में ड्रिफ्टिंग होता है गाइस। इसका जो इंजन है बहुत पावरफुल है गाड़ी। मैं सोच रहा इसका वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या है ना, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गाइस, क्योंकि मैं सुबह जब आता है शोरूम से तब शुरू हो जाता है काम पर लगना, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि वीडियो आप लोगों को पता है कि एक वीडियो का रिव्यू करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, अभी वो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। मैं कोशिश करेगा इसका फुल वीडियो बनाने का गाइस। ये भी नया आया है शोरूम पे, ये कैमरी भी नया आया है, और बाकी सब पुराना है ऑलरेडी। बेंटली भी चला गया, बहुत ही गाड़ी चला गया इधर से। ये देखिए अभी पूरा खाली खाली लग रहा है हम लोग का शोरूम। तो अभी रात भी हो गया गाइस, तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करना चाहूँगा। आप भी आप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।